आज तो सर्चिंग ऑपरेशन वाले फौजी बने हुए हैं कसम से। कैसे? ऐसे नहीं, लाइट यहाँ पे लगाई हुई है। जी बिल्कुल। हाँ जी जी, ये मोबाइल है ना? जी जी मोबाइल। हाँ मोबाइल है। तो ये है कि एक तरतीब होती है, एक टाइम, एग्जैक्ट टाइम होता है खाने का। हमने कहा उसकी आवाज पे तो उठा ही नहीं है शायद। अच्छा, हम ऐसे उठा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, सहरी का टाइम हो चुका है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज तो सर्दी लग रही है, मौसम भी सर्दी वाला बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई हो, लेकिन बारिश नहीं हुई यहाँ पर ना। यहाँ पर हमने खुद पानी मारा है क्योंकि बन रही है जी यहाँ पर रोटियाँ, और हम नहीं चाह रहे कि यहाँ से मिट्टी वगैरह उड़ के जाए, तो इसलिए हमने यहाँ पर पानी मार दिया अच्छे से। तो यहाँ पर रोटी बनाई जा रही है। आप दिल कर रहा है कि इन रोटी वालों के पास बैठ के मतलब यहाँ पर बैठा जाए और आग भी सेकी जाए और साथ में रोटियाँ भी बनवाई जाए क्योंकि सर्दी है। तो ये भी करते हैं, हेल्प करते हैं, इनकी सवाब का काम है। और साथ में जी है देख वाले भाई लगे हुए हैं, देख वाले भाई का सामान वगैरह सारा कुछ जो है ना वो रेडी करवा दिया है हमने। तो अभी देख वाले भाई लगे हुए हैं पकाने में। अस्सलाम वालेकुम। आज तो सर्चिंग ऑपरेशन वाले फौजी बने हुए हैं कसम से। कैसे? ऐसे नहीं, लाइट यहाँ पे लगाई हुई है। जी बिल्कुल। हाँ जी जी, ये मोबाइल है ना? जी जी मोबाइल। हाँ मोबाइल है, मोबाइल यहाँ पे लगाया हुआ है। वो सर्चिंग वाले वो कानों में वो जो चल के नमक वगैरह ढूंढते, वो नमक भी तोड़ने वाले फौजियों के इधर यहाँ पर लगी होती है। फौजी तो नहीं होते पर मजदूर होते हैं, लेकिन उनकी यहाँ पे लगी होती है। सर्चिंग ऑपरेशन वाले बन गए फौजी आप। चले गुड। अभी आग चेक करें जी, फ्लो वाली आग जल रही है और हवा की वजह से थोड़ी थोड़ी बाहर निकल रही है। माशाल्लाह जबरदस्त। सुबह के लिए जी सहरी के लिए गरम गरम रोटी तैयार हो रही है और मामू जो है ना वो अभी सोए हैं, घर वाले सभी उठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर्दी लग रही है? सर्दी है तो इस वजह से सर्दी लग रही है ना। आज मामू ये इधर देखे ना, ये ऊपर पूरा वो कवर किया हुआ है क्योंकि ये फौजियों वाला सिस्टम, जो पुराने फौजी होते थे ना उनकी कैप पे यहाँ पे ऐसे ही मतलब ऊपर होता था। मामू भी फौजी बने हुए हैं आज। आपको पता है ना ठंडी हवा लगे सर को फिर मेरे दर्द हो जाता है। हाँ ये तो है, ये बात आपकी ठीक है। चले चढ़ा लिए? हाँ सारा कुछ। अच्छा चलो, आटा मजीद मामी बनवा रही है, लाडो खाला भी है, रोटी वगैरह बनवाया लाडो खाला। बड़ी खाला जी कैसी हैं आप? ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खाला तो मोटरसाइकिल चलाने वाली बनी हुई है, नहीं बल्कि क्रिकेट खेलने वाली हो। दांत में दर्द है। दांत में दर्द है? मैं तो रोजा रखूंगा। गोली वगैरह भी नहीं खाई? नहीं, रात को पैनाडोल की गोली खाई थी, दूसरी नहीं खा सकती। अच्छा चले मतलब सहरी वगैरह तो आपको पता है आज बनानी नहीं है आपने। आप रेस्ट करें, रेस्ट करें और रोजा जो है ना सारा यहीं पर रखेंगे ना इंशाल्लाह। चलें जी गुड हो गया। हाँ अब ठीक है। मामू बेचारे की हिम्मत है, सारी रात बाहर बैठे रहे ना। अब इसको सर्दी लगी है, मैंने कहा डबल इसके ऊपर कंबल कर देती हूँ ना। चले मेरी ड्यूटी है, पेड़ उठा उठा के आप लोगों को देता जाऊंगा। अच्छा आज जो है ना सबकी सहरी हमने बनाई है और हमारे तकरीबन विलेज वालों को सबको हमने बोला हुआ है, जो रात खैरात पर आए थे मतलब कि अफ्तारी पर आए थे उनको सहरी का भी बोल दिया कि आप लोगों ने सहरी पर भी आना है और आप लोगों को रोज़ा हमने ही रखवाना है। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं सब। और ये सहरी जो है ना ये माशाल्लाह एक सिस्टर की तरफ से है, उन्होंने कहा है कि आप लोग अफ्तारी करवाते हैं तो आज जो है ना मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मेरी तरफ से ना आपने सहरी भी करवानी है। तो हमने फिर पकवान भाई से मशवरा किया कि हमने सहरी भी बनानी है तो क्या किया जाए। पकवान भाई ने कहा मुश्किल ही नहीं है, पका लेंगे।
जी ऐसे नहीं जी बिल्कुल। और पकवान भाई हमारे ऐसे समझ ले फौजी है, तो इंशाल्लाह जी कोई बात नहीं, हम शहरी भी जबरदस्त से जबरदस्त बनाएंगे अपनी तरफ से। हाँ, कोशिश करेंगे जबरदस्त से जबरदस्त बनाने की। और शहरी में आज सब गांव वालों के मशवरे से ही हम बना रहे हैं जी मुर्गी। उसका रीज़न ये है कि कहते हैं कि हमने बड़ा गोश्त मतलब खा खा के ना, तो अभी चिकन बनाएं आज जो है ना, शहरी में चिकन होना चाहिए, बड़ा गोश्त नहीं खाया जाएगा हमसे। तो हमने कहा चलें आपके लिए बनाते हैं जी चिकन। और चिकन जो है ना हमारा तकरीबन मेरे ख्याल में रोटियां बनने तक रेडी हो जाएगा जी जी। और अभी टाइम दो का हो गया है जी जी। ऐसे नहीं टाइम ज़रा दिखाना, व्यूवर्स को दिखा दूँ टाइम। मेरे पास वॉच थी, वॉच ही नहीं है अभी। हाँ 2:02, ये देखें जी 2 का टाइम यानी कि हो चुका है। हाँ जबरदस्त। अभी यहाँ से जी साफ साफ ईंटे तलाश करते हैं 2-4, क्योंकि हमें चाहिए ईंटे चाय बनाने के लिए। मामी आग जला रही थी एक्स्ट्रा, मामी एक्स्ट्रा आग जलाने की जरूरत नहीं है। एक ईंट ये भी बढ़िया ना। हाँ जिस तरह आप कहेंगी उस तरह ही हो जाए। आपने देश का बड़ा रखना है या छोटा रखना? बड़ा 5 किलो। आप लेके आएंगी ना उस हिसाब से फिर बनाते हैं। तो मामी जो है ना वहां पर आग जला रही थी, वो देखे उस जगह पे। मैंने कहा रहने दें वहां पे जलाने की कोई जरूरत, उधर से आग बुझा रहे ना लाडो खाला। आग मैंने कहा उधर लगाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर चाय जो ना बहुत ही जबरदस्त बन जाएगी। ये वाला देश का रख रहे हैं तो फिर बहुत ईजी बनेगी, 1 मिनट सब्र करें। फिर फैमिली तौर पर मामी ने सारा सामान उठा के यहाँ पर रख दिया है, तो अभी बड़ा सा देज का जो है ना वो यहाँ पर चढ़ाते हैं। पहले से आग बहुत अच्छी लगती है। हाँ दूध उधर रखा था मैंने। दूध उधर है ना? चले ले आए। चाय का पतीला चढ़ गया है, अल्लाह करे यहाँ पे फिर जो है ना मेरी जल्दी जल्दी से चाय बन जाए। नहीं जबरदस्त बनेगी ये। टेंशन ना लें, यहाँ पर बहुत जल्दी चाय बनेगी। चाय बन जाएगी ना? चलो। वैसे अफ्तारियों का एक्सपीरियंस तो काफी ज्यादा है, लेकिन ये हमारी फर्स्ट सहरी है और ये एक हमारी आप ही की तरफ से है। मैंने पहले भी जैसा कि बताया ही, और वो आप ही रहती हैं जी यूके में। उन्होंने कहा है कि आप लोग माशाल्लाह अफ्तारी बहुत ज़बरदस्त करवाते हैं, और सहरी भी आप लोगों ने करवानी है मेरी तरफ से। तो उनकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह जी आज सहरी का इंतज़ाम भी है, सबको बुलाया है। देखते हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा कि हमारे विलेज में से कौन कौन आता है जी सहरी करने के लिए। सहरी करने के लिए अभी हम इसमें पानी भी हमने डाल दिया, दूध भी हमने डाल दिया है, और अभी इसमें डालते हैं सबसे पहले नमक। मस्जिदों में से घूक-घूक के बजने की आवाज़ें भी आने लगी हैं, यानी कि सायरन के बजने की आवाज़ें। और आपकी चाय कहाँ तक पहुँची है मामी? देखते हैं बिस्मिल्लाह। आ रही है ना? हाँ। सही बन रही है ना यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह। तक सब भी आ जाएंगे ना। हाँ। मेरी चाय हल्की हल्की मतलब सेके के ऊपर जो है ना सही बन जाएगी। हाँ अभी सायरन बज गए ना तो अभी सब आना शुरू हो जाएंगे। सब आना शुरू हो जाएंगे। हमारा खाना बनाने का जो काम है वो मुकम्मल हुआ, और अभी रोज़ेदार भी आना शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ेदारों के लिए स्पेशल यहाँ पर दही का इंतज़ाम किया गया है। सब भी रेडी है, कप भी रेडी है, चाय भी रेडी है, प्लेटें भी रेडी हैं बिल्कुल। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन भी आना शुरू हो गई हैं, और मर्द हजरात भी आना शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अफ्तारी की तो ये है कि एक तरतीब होती है, एक टाइम एग्जैक्ट टाइम होता है खाने का, और अफ्तार करने एग्जैक्ट टाइम होता है, लेकिन सहरी का कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। तो जैसे आते जा रहे हैं तो सबको सहरी जो है ना वो करवाते जा रहे हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि किसी को हम इंतजार नहीं करवा सकते, तो आराम से पुरसकून तरीके से खाना खा लें। सब के आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा खाना है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मामी सबसे दही पूछ रही है।
और यहाँ पर जी चाय भी साथ में बन रही है, और यहाँ पर जो रोजा रखने वाले हैं वो यहाँ पर भी साथ साथ में खाना भी खा रहे हैं और चाय भी सर्व कर रहे हैं। अभी मैं चाय लेके जा रहा हूँ जी भाइयों की तरफ, उन्होंने खाना खा लिया और उन्होंने चाय मांगी है, तो उनको जी चाय जाके पिलाते हैं जी। अभी कारी साहब को भी खाना देने के लिए जा रहे हैं। कारी साहब की दही किधर है? इधर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, आप लोगों को और चाहिए? नहीं नहीं भैया, अच्छा ये उठा दीजिए वो प्लेट भी। चलो शुक्रिया। रोजे का ये सीन होता है कि ऐसा ऐसा से आ रहे हैं जी, ख्वातीन भी मर्द हजरात भी रोजा रखते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं, तो भी और आ गए, इनको भी खाना दिया जा रहा है, कुछ चाय पी रहे हैं। तो रोजा इफ्तार का तो ये होता है ना कि एक एग्जैक्ट टाइम होता है, लेकिन सहरी का एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। जो जिस टाइम आ रहा है उसको खाना मिल रहा है, वो इजीली सहरी कर रहा है और फिर सुकून से जा रहे हैं। बाबा जी बिस्मिल्लाह। सही लेट क्यों है? बस उठे बालश हो जाओ। अच्छा मैं के चलो मकसद, हमने एक मरतबा ढोल वाले को भी भेजा है, ढोल वाला सुनिए, ढोल का ढोल वाला गया था आपका, हाँ। तो उसको पता नहीं कहाँ गुम हो गया, फिर वो बेचारा वो तासला इधर से लेके गया और उठाता रहा, हमने कहा उसकी आवाज पे तो उठे नहीं है शायद। अच्छा हम ऐसे उठा पहले उठे हुए थे। चलें जी बिल्कुल, मैं तो खान को भी फोन करता रहा हूँ, अभी टाइम मेरे ख्याल में बहुत पड़ा है, बहुत आधा घंटा है मेरे। नहीं नहीं बहुत, आधा घंटा नहीं, एक घंटा बीस मिनट। हाँ एक घंटा बीस मिनट, सही सही सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह जी बाबा जी भी आ गए रोजा रखने के लिए। कैसे हैं जी? रोजा रखने हैं जी। आपको लगी हुई है सर्दी? हाँ जी। आप ना किचन के अंदर ही बैठ जाएं। अंदर बाबा जी, अंदर बैठ जाएं। आप अंदर बैठ जाएं, पुरसकून तरीके से यहीं पे खा लें। सुनाएं आज सर्दी है? आज आग अच्छी लग रही है सही। असल में हवा चल रही है ना तेज, और मौसम था ठंडा, ठंडा मौसम है, बारिश वाला मौसम बना हुआ था। अभी सितारे निकले हुए हैं, बारिश तो नहीं है, हवा की वजह से ना बादल चले गए हैं। बरहाल सर्दी है, सब खाना खा के जो है ना अपने अपने घरों को चले गए। अभी तकरीबन रोजा बंद होने में मैंने मेरे ख्याल में अभी भी आधा घंटा रहता है शायद भैया। अभी सामान वगैरह जो है ना वो क्लोज करते हैं, मामू तो सो गए हैं पुरसकून तरीके से, अजान आती है तो नमाज अदा करते हैं और फिर जो है ना मामू को भी उठाते हैं, नमाज अदा करके फिर सोएंगे। सहरी हमारी हो चुकी है और सब सहरी जो है ना करके चले गए, कुछ जो है ना यहीं पे नमाज अदा करने के लिए सब जो मर्द हजरात है ना बैठे हुए हमारी रोटी वाली जगह के ऊपर। हाँ बिल्कुल, सब आग सेक रहे हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी माशाल्लाह से ना सर्दी है, हवा भी चल रही है, तो यहाँ पे सब दरियाँ लपेट के रख रहे हैं और अभी हम इसको क्लोज करके अंदर रखते हैं और अभी माशाल्लाह से रोज़ा भी बंद, मतलब बंद हो जाएगा। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, तो पानी पीते हैं जल्दी से रज के। अभी भी 20 मिनट है। हाँ 20 मिनट। चलें जी 20 मिनट है और माशाल्लाह से इतनी प्यारी हमारी सहरी सबको हमने करवाई है ना, बहुत ज्यादा माशाल्लाह से सहरी अच्छी हुई है। तो बस अभी हम थोड़ा चहलकदमी करते हैं ना, टहलते हैं, तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर क्या करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।